मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। बिग बॉस 12 के फिनाले में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। वहीं हाल ही में घर में आखिरी टास्क हुआ जिसका नाम था बीबी होटल। इस टास्क के दौरान श्री संत ने घर में आई मेहमान एक्ट्रेस गौहर खान के साथ बदतमीजी की थी, जिसके बाद फैंस काफी निराश हुए और श्री को खूब खरी खोटी सुनाने लगे। वहीं श्री की पत्नी भुवनेश्वरी ने अपने पति का सपोर्ट करते हुए एक ट्वीट लिखा, Like Juhi ji said yesterday, consistency is very important and Shiri is consistent in his feeling and bond with Deepika ji. When he told Big Boss he can't ask Surbhi Chishu for nomination, how can he ask Deepika ji for her nikah dupatta? It is too personal stuff for any woman, even for a task. जिसके बाद गौहर खान काफी गुस्से में आ गई और उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि And I just read that Bhuvneshwari thinks that I went in with an intent to instigate him and make him look bad without even tagging me. But I did like to tell you dear that I said more than two times to him that he is doing well and that I like his game. Also now I will say the truth. Itna hi nahi, Gohar ne ek aur tweet kiya. Sadly, despite all the nice things I think of Shri and all the support I have given him before I entered, his behavior was extremely rude with me. Refused to talk to me when I asked politely, said even if XYZ was in my house, I would behave the same way. Took names of legend. आपको बता दें, दरअसल गौहर ने श्री संत से कहा था कि वो दीपिका कक्कड़ के निगाह के दुपट्टे और शोहिब की जैकेट को स्टोर रूम में रखने के लिए कहे। श्री संत ने टास्क करने से इनकार कर दिया और खेल से बाहर हो गए। इसके बाद उन्होंने गौहर से बदतमीजी भी की थी। वहीं गौहर का यूं गुस्सा होना जायज है। वैसे बता दें, आज घर में काम्या पंजाबी, गौतम गुलाटी और प्रियंक शर्मा की एंट्री होने वाली है। आज ये तीनों स्टार्स घर वालों को प्राइज मनी से रिलेटेड एक टास्क देंगे। वेल, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में श्री और गौहर में से आप किसके साथ हैं।